हेलो बच्चों, तो आज हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का फिफ्थ लेक्चर और हीट ट्रांसफर के अंदर कंडक्शन का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। तो अगर आपने कंडक्शन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है अभी तक, तो यूट्यूब पे टाइप करना है कंडक्शन 01 और साथ में लिखना है फिजिक्स वाला और आपको इसका फर्स्ट वीडियो मिल जाएगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने काफ़ी सारे बातें आपसे कर ली हैं, उन बातों को मैं जल्दी से यहाँ समराइज करूँगा और उसके बाद सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन की बातें करूँगा। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने जो बातें की, अगर आपको डिटेल में समझना है तो जाके वो वीडियो देखें, अदरवाइज मैं आपको समराइज करता हूँ ताकि आप ये लेक्चर भी समझ पाएं। सो माई नेम इज अलख पांडे एंड दिस इज योर फेवरेट और योर लवली चैनल फिजिक्स वाला, वॉट एवर यू से। तो भाई साहब शुरू करते हैं। मैंने आपसे कंडक्शन के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कंडक्शन में आपके आपसे बात की कि यहाँ पे मान लीजिए एक कंडक्टर है और मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और T टाइम तक इसमें से हीट फ्लो की इस तरह से परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन, इसमें से टी टाइम तक हीट फ्लो की हमने मारा। इस कंडक्टर के एंड्स में यहाँ टेम्परेचर T1, यहाँ टेम्परेचर T2 और हीट फ्लो करने के लिए T1 ग्रेटर देन T2, टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तभी हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर। तो हमने आपको बताया था कि ये जो Q होता है इसका फॉर्मूला होता है KA T1 - T2 डिवाइडेड बाई L मल्टीप्लाइड बाई टाइम T। K को हम बोलते थे बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी एक कांस्टेंट होता है फॉर अ गिवन कंडक्टर या गिवन मटेरियल का। K मटेरियल पे डिपेंड करता है। फिर Q के बाद हमने आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस किया था, रेट ऑफ हीट फ्लो, जिसको हम लोग हीट करंट के नाम से भी जानेंगे। रेट ऑफ हीट फ्लो, हीट कितनी तेजी से फ्लो कर रहा, सिंबल है उसका H, H है क्यू अपॉन टाइम, हीट फ्लो पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ हीट फ्लो। यहां से क्यू को टाइम से डिवाइड करेंगे तो आएगा KA T1 - T2 को मैं बोल रहा हूं डेल्टा टी अपॉन L। ये है हीट करंट, किस स्पीड से हीट फ्लो कर रही, KA ΔT/L, ये टाइम इधर आ गया। इतनी बातें मैंने आपसे की थी और एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एनालॉगी आपको सिखाया था जो कि आपको यहां फिर से सीखना है। एनालॉगी मैंने कहा था, जिस तरह से हीट करंट होता है उसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी होता है। हीट करंट को आप H बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट को आप I बोलते हो। हीट किस वजह से फ्लो कर रही, टेम्परेचर डिफरेंस से। सो हीट फ्लो कर रही ड्यू टू डेल्टा T। अगर टेम्परेचर डिफरेंस ना हो तो हीट फ्लो नहीं करेगी। करंट किस वजह से फ्लो करता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। ये आपने 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर मैं इन दोनों को रिलेट करने का फॉर्मूला बोलूं तो आप बोलोगे I = ΔV/R, याद आया ओम्स लॉ, ΔV = IR। R क्या होता था, R होता था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। उसी तरह से यहां पे H और डेल्टा T को रिलेट करने के लिए हम बोलेंगे H = ΔT/R। करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट फ्लो करता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब यहां नीचे क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां नीचे जो आता है उसको हम बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। अब कोई बोले उसमें थर्मल रेजिस्टेंस कहां है, तो थर्मल रेजिस्टेंस दिखाने के लिए मैं इसको मिटा रहा हूं। 1, आप कॉपी करना हो कॉपी कर लो, 1, 2, 3, 4, 5। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ये सारी पुरानी बातें हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो पिछला लेक्चर देखना ही पड़ेगा। चलिए, तो मैंने कहा H = ΔT/R थर्मल। तो मैंने कहा ये है क्या, थर्मल रेजिस्टेंस है क्या, तो ये वाली इक्वेशन को उठाओ,
H is equals to K A delta T by L. क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा टी अपॉन एल बाई के ए. अब जरा ध्यान से देखो, ये और ये एक्सप्रेशन एक जैसा हो गया, ये और ये एक्सप्रेशन एक जैसा हो गया. तो मैं लिख सकता हूं H इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय आर थर्मल, यानी ये आर थर्मल किसके बराबर होगा, एल बाई के ए. तो हमें एक थर्मल रेजिस्टेंस मिला है जिसकी वैल्यू होती है एल बाई के ए. बस इतनी ही बातें मैंने आपसे पिछले टर्न पे कर रखी थी. इसको नोट कर लें, फिर हम आगे आज सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर पढ़ेंगे. पहली चीज है हीट, के ए डेल्टा टी अपॉन लेंथ इनटू टाइम, रेट ऑफ हीट फ्लो यानी क्यू पर यूनिट टाइम, के ए डेल्टा टी बाई एल. फिर मैंने कहा रेट ऑफ हीट फ्लो यानी हीट का करंट, हीट किस स्पीड से दौड़ रही है. तो मैंने हीट करंट को इलेक्ट्रिक करंट से एनालॉगी देखी, कंपैरिजन देखा, सिमिलैरिटी देखी. जैसे हीट करंट वैसे इलेक्ट्रिक करंट. करंट फ्लो करता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हीट फ्लो करती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस. करंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाई आर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, हीट का फॉर्मूला डेल्टा टी बाई आर थर्मल रेजिस्टेंस. फिर बात हुई है आर क्या है, तो मैंने इस इक्वेशन को वापस लिखा, डेल्टा टी ऊपर रखा, इसको नीचे भेजा. ध्यान से देखो एच इज इक्वल्स टू डेल्टा टी बाय आर. तो ये है मेरा थर्मल रेजिस्टेंस. घुमा फिरा के हम बार बार यूज करेंगे ये इक्वेशन. तो आज के लेक्चर के लिए ये इक्वेशन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एक ये इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको आज के लेक्चर में इसको बार बार यूज करना है, इसको यूज करना है, और इसको भी यूज करेंगे. तो नोट कर लें इसको. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. कैसा फील कर रहे हैं आप लोग? चलिए इसको रब करें, रब कर दें. H इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय आर, इसको बहुत यूज करेंगे हम आज. और H इज इक्वल टू Q क्या है, टोटल हीट अपॉन टाइम. और R थर्मल इज L बाई के ए. चलिए अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, नहीं आएंगी तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं. यूट्यूब पे टाइप करें कंडक्शन 01 फिजिक्स वाला. चलिए तो आगे बढ़ते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज का. आज हम इसके आईआईटी जेई में आए हुए सवालों को डिस्कस कर लेंगे और बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो सबसे पहले पर्चों हेडिंग लगाएंगे आप सीरीज कॉम्बिनेशन. थोड़ी सी आज मेरी वॉइस फंबल कर रही है. सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन. तो बच्चों जैसा कि आपको याद होगा रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता था ये, याद आया? इसको हम बोलते थे R1, इसको बोलते थे R2, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था R1 प्लस R2. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो करंट यहां से जाता था वही करंट यहां से जाता था, यानी दोनों रेजिस्टेंस में करंट भी क्या होता था, सेम. याद है इतनी बात? अब कंडक्टर में यही चीज लगाते हैं. तो एक कंडक्टर ये लिया, दूसरा कंडक्टर ये लिया. मानते हैं इसकी लेंथ L1, मानते हैं इसकी लेंथ L2. दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया सेम माना, तभी ये एक दूसरे से चिपक पाए. तो क्रॉस सेक्शन एरिया A एंड A सेम है. मैंने बोला इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2. मैंने बोला इनके एंड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस, यहां पे T1, यहां पे टेम्परेचर T2. अब मैंने कहा कि मुझे दो रॉड से नहीं खेलना, ना मुझे दो रेजिस्टेंस से कहां खेलना होता था. हम तो क्या करते थे, इन दोनों को हटा के हम यहां पे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगाते थे जिसकी वैल्यू होती थी R1 प्लस R2. उसी तरह से हम यहां से दो रॉड को हटा के हम चाहेंगे कि हमारे पास एक इक्विवेलेंट कंडक्टर बन जाए. ऐसा इस इक्विवेलेंट कंडक्टर की लेंथ आप खुद सोचो, L1 प्लस L2, ये मानते हुए कि ये बिल्कुल भी हीट की वजह से एक्सपैंड नहीं किया. यहां टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका भी A, इन दोनों का इक्विवेलेंट.
अब इसका के इक्विवेलेंट कितना होगा, के वन प्लस के टू होगा कि कुछ और होगा, हमें नहीं पता भाई। वो रेजिस्टेंस है, ये के है, अलग अलग चीज है। तो मैंने कहा इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी को के ई सपोज कर लेते हैं। आइए अब देखते हैं कि इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी कितनी आएगी। तो मैंने आपको आज कई बार बोला कि हम के से ज्यादा आर की बात करेंगे, थर्मल रेजिस्टेंस आर की बात करेंगे। चलिए मानते हैं कि यहां से हीट अंदर घुसी एच वन, कितनी अंदर हीट घुसी एच वन। अच्छा पहले कंडक्टर के लिए आप एच की इक्वेशन लिखो, तो आप लिखोगे एच वन इज इक्वल टू डेल्टा टी बराबर आर वन। अब आपको यही लिखना है बार बार हीट की इक्वेशन। मैंने कहा यहां से अंदर कितनी रेट ऑफ हीट फ्लो, यहां कितना है, मैंने कहा एच वन, यहां एक सेकेंड में एच वन हीट जा रही है, रेट ऑफ हीट फ्लो डेल्टा टी बाई आर। अच्छा यानी यहां से यहां तक का टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी माना है ना, इस कंडक्टर की बात हुई है। यहां का टेम्परेचर आपको पता नहीं है, तो मैं मानता हूं जंक्शन का टेम्परेचर थीटा, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ये, कई बार इसको पूछता भी है, आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं। जंक्शन का टेम्परेचर थीटा क्या मैं लिख सकता हूं, एच वन इज इक्वल टू टी वन माइनस थीटा अपॉन आर वन, अपॉन आर वन लिख सकता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां से टी वन माइनस थीटा की वैल्यू जरा मुझे बताएं, टी वन माइनस थीटा हो जाएगा एच वन आर वन। मानते हैं यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो एच टू है, दूसरे कंडक्टर से रेट ऑफ हीट फ्लो एच टू है। अच्छा आपने अभी देखा कि रेजिस्टेंस में जितना करंट यहां था उतना करंट यहां, यहां पे भी पता है H1 H2 सेम होंगे भाई। यहां से एक सेकंड में जितनी हीट घुसेगी, यहां भी तो एक सेकंड में उतनी ही हीट आगे बढ़ेगी, स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। जितनी हीट यहां से चली उतनी हीट आगे, मान लो एक सेकंड में यहां से दो जूल हीट घुसी, तो यहां से दो जूल हीट आगे बढ़ेगी। खैर अभी मैंने एच टू माना। अब इस कंडक्टर के लिए अगर सिमिलर इक्वेशन लिखो, तो आप बोलोगे एच टू इज इक्वल्स टू डेल्टा टी अपॉन आर टू, इसका थर्मल रेजिस्टेंस आर टू मान लिया, दोनों का अलग अलग माना, कंडक्टिविटी अलग अलग, मटेरियल अलग अलग। डेल्टा टी की वैल्यू होगी थीटा माइनस टी टू, थीटा टी टू से बड़ा होगा तभी तो हीट ऐसे फ्लो कर रही, डिवाइडेड बाई आर टू। क्या मैं थीटा माइनस टी टू को एच टू आर टू लिख सकता हूं? बिल्कुल। अब यहां पे आते हैं, मान लेते हैं यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो एच है, इसके इक्विवेलेंट में, इसके इक्विवेलेंट में रेट ऑफ हीट फ्लो एच है, तो इक्विवेलेंट के लिए मैं इक्वेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा एच इज इक्वल टू डेल्टा टी अपॉन आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस। अब यहां पे देखो डेल्टा टी क्या होगा, टी वन माइनस टी टू, इक्विवेलेंट की बात कर रहा, टी वन माइनस टी टू अपॉन आर इक्विवेलेंट। यहां से आप T1 माइनस T2 को बोल सकते हैं H इंटू आर इक्विवेलेंट, बोल सकते हैं दिस इज आर इक्वेशन नंबर वन, दिस इज आर इक्वेशन नंबर टू, दिस इज आर इक्वेशन नंबर थ्री, वन टू एंड थ्री, वन टू एंड थ्री बोल सकते हैं। अच्छा अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो तो आप ध्यान से देखो थर्ड आएगी, अगर आप फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो T1 माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस T2, थीटा थीटा कैंसिल, T1 माइनस T2, यानी थर्ड इक्वेशन आ रही है। फर्स्ट और सेकंड को ऐड करने पे देखो थर्ड इक्वेशन आ रही है कि नहीं। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो H1 है तो यहां से रेट ऑफ हीट फ्लो भी H1 होगा, जितनी हीट यहां एक सेकंड में घुस रही उतनी यहां एक सेकंड में बाहर आएगी। अच्छा और ये H भी इस H1 और H2 के बराबर होगा, क्यों भाई, अरे जितनी हीट इसमें घुस रही उतनी हीट इससे निकल रही, तो इनके इक्विवेलेंट में भी तो हीट सेम होगी। मान लो यहां एक सेकंड में दो जूल घुसा, दो जूल पर सेकंड, दो जूल पर सेकंड, दो जूल पर सेकंड, तो यहां पर भी और यहां पर भी दो जूल पर सेकंड होगा। मतलब कहने का यह है कि H इज इक्वल्स टू H1 इज इक्वल्स टू H2, रेट ऑफ हीट फ्लो तो सब में सेम रहेगा ना यार, जैसे करंट सीरीज में सेम रहता है,
तो मैं जहां जहां H1 H2 है उसकी जगह H लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जहां जहां H1 H2 उसकी जगह H लिख दिया, बहुत बढ़िया। क्या मैं इसको रब कर लूं बच्चों, क्या मैं इसको रब कर लूं? चलिए मैं इसको रब, क्या इधर रब कर लूं, बल्कि इधर करता हूं। चलिए तो मैंने इसको मिटा दिया। चलिए आपको इतनी बातें समझ में आई। अब मैं कहता हूं फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करो तो आपको मिलेगा टी वन माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस टी टू, टी वन माइनस थीटा प्लस थीटा माइनस टी टू इज इक्वल्स टू एच आर वन प्लस एच आर टू, एच आर वन प्लस एच आर टू। थीटा से थीटा मर गया, टी वन माइनस टी टू इज इक्वल्स टू एच आर वन प्लस आर टू। ध्यान से देखो, टी वन माइनस टी टू यहां से इसके बराबर, टी वन माइनस टी टू यहां से इसके बराबर, यानी इस टी वन माइनस टी टू की जगह इसको रख सकता हूं एच आर ई इज इक्वल्स टू, बोले मेरे साथ जय माता दी नहीं बोलना है, आर वन प्लस आर टू, और एच से एच मर गया तो आर इक्विवेलेंट आएगा आर वन प्लस आर टू। मतलब प्यारे बच्चों कि जिस तरह से इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू लेता था आर वन प्लस आर टू, उसी तरह से थर्मल रेजिस्टेंस भी सीरीज में इक्विवेलेंट वैल्यू लेगा आर वन प्लस आर टू। क्लियर है, क्लियर है, कंसेप्ट्स हैं इसमें। इसको मिटा रूं मैं, वन टू थ्री फोर फाइव। चलिए हम इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। मुझे जरा बताइए कि R1 की वैल्यू क्या होगी? भाई थर्मल रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने आपको सिखाई L बाई के ए, सो R1 की वैल्यू होगी L1 बाई के वन ए, R2 की वैल्यू होगी L2 बाई के टू ए, और R इक्विवेलेंट की लेंथ कितनी थी, इक्विवेलेंट की लेंथ कितनी थी, लेंथ थी L1 प्लस L2, और इसका थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, और एरिया इसका भी A था लंबे वाले का। इन वैल्यूज को जरा यहां पुट करते हैं, तो R इक्विवेलेंट की जगह मैं लिखूंगा L1 प्लस L2 अपॉन K इक्विवेलेंट A, R1 की जगह लिखूंगा L1 अपॉन K1 A, R2 की जगह L2 अपॉन K2 A। ए से ए से ए मर गया, यहां से L1 प्लस L2 अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। अगर मुझे K इक्विवेलेंट की वैल्यू चाहिए तो उसको इधर ले जाऊंगा, तो K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2, K इक्विवेलेंट L1 प्लस L2, और ये टर्म नीचे आया L1 बराबर K1 प्लस L2 बराबर K2। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, इसीलिए प्यारे बच्चों मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको छोड़ दो और इसको समझ लो। भाई साहब हमें तो पता ही है कि सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 होता है, और हमें दिमाग में ये पता हो कि R L बाई के ए होता है, तो R1 L1 बाई के वन है, R2 L2 बाई के टू है, और R इक्विवेलेंट पूरे की लेंथ थी L1 प्लस L2, पूरे की थर्मल कंडक्टिविटी K इक्विवेलेंट, पूरे का एरिया तो यही था ना सीधा सीधा। तो सीरीज में K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होती है, R इक्विवेलेंट की वैल्यू ये होती है, और एक इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि सीरीज में, कि सीरीज में मान लो दो कंडक्टर हैं, पचक सीरीज में मान लो ये K1 ये K2, यहां से जितनी हीट जाएगी H1 उतनी हीट यहां से जाएगी H2। तो एक बात सीरीज में आपको और याद रखनी है कि H1 is equals to H2, और इक्विवेलेंट में भी उतनी ही हीट। तो इसको नोट कर लें, फिर इसके प्यारे से न्यूमेरिकल मैं आपको कराता हूं। जीने के है चार दिन, ओ हो 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 हो, बाकी है बेकार दिन, ओ हो 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 हो। मिटा दूं, जाए 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 जाए, एक बार जो जाए
जेई का एग्जाम फिर ना आए सर, अब तो एनटीए फिर लेके आएगा, डूडू बार जीए देंगे सर, डूडू बार, टू टाइम्स वी विल गिव जेई। अब बेचारे नेक्स्ट ईयर के बच्चे देख रहे होंगे, तब तक एनटीए फिर रूल बदल देगा, कहेंगे क्या ये दाढ़ी वाला आदमी किस तरह की बातें कर रहा है। चलिए तो आते हैं हम, हमको रेजिस्टेंस समझ में आ गया, आर वन प्लस आर टू के इक्विवेलेंट की वैल्यू एल वन प्लस एल टू अपॉन एल वन बाई के वन प्लस एल टू बाई के टू, नहीं याद हुआ तो आर याद रखो। चलिए पहले हमारे पास सबसे प्रथम सवाल आता है कि हमारे पास यहाँ दो कंडक्टर हैं, प्रथम कंडक्टर का के है के मान लो, और दूसरे वाले का के टू के मान लो, इसकी लेंथ मान लो यल, इसकी लेंथ मान लो थ्री यल, यहाँ टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ टेम्परेचर दिया है 0 डिग्री सेल्सियस। आपसे पूछ रहा है कि भाई साहब आप आर इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, आप के इक्विवेलेंट की वैल्यू बताओ, और आप यहाँ पे बीच में टेम्परेचर थीटा, जंक्शन टेम्परेचर थीटा की वैल्यू बताओ, यही सारे सवाल सीरीज में बहुत पूछे जाते हैं। तो भाई साहब हमें पता है कि ये सीरीज है, दिख रहा है, तो सीरीज के लिए हम बोल सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू। चलो आपको के इक्विवेलेंट याद नहीं है, इसका जब इक्विवेलेंट बनेगा पूरा कंप्लीट तो उसकी लेंथ कितनी होगी, एल प्लस थ्री एल, आर की वैल्यू कितनी होती है एल बाई के ए, तो इक्विवेलेंट की लेंथ हो गई एल प्लस थ्री एल मतलब फोर एल अपॉन के की वैल्यू के ई, और एरिया मान लिया मैंने ए, इसका एरिया मान लेते हैं ए, वेरिएबल नहीं आया, इसका इक्विवेलेंट बनाओ कैसे सीधा बनेगा, लेंथ कितनी होगी एल प्लस थ्री एल, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ई मान ली, एरिया ए। आर वन की वैल्यू होगी, इसकी लेंथ कितनी है एल अपॉन के इंटू ए, आर टू की वैल्यू होगी, इसकी लेंथ है 3L अपॉन के कितना है 2K इंटू ए, ए से ए से ए मर गया, L से L से L मर गया, 4 बाई के ई इज इक्वल्स टू 1 बाई के प्लस 3 बाई 2K। यहां से आप एलसीएम ले लोगे इस तरफ 4 बाई के ई, एलसीएम हो जाएगा बोलो 2K, यहां जरूरत है 2 की, यहां जरूरत किसी की इसकी नहीं, यानी 5 by 2k, not UK, 2k, 4 by ke is equals to 5 by 2k, कहीं गलती हो तो माफ करना, R equivalent 4L by k equivalent A, R1 is L by k A, R2 is 3L by 2k, A मरा, L मरा, 4 by k E, 1 by k, 3 by 2k, LCM हुआ 2k, यहाँ जरूरत 2 की, यहाँ जरूरत किसी चीज़ की नहीं, 5 by 2k। तो यहां से k इक्विवेलेंट की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही है, इधर जाएगा 4 टू ज 8 k बटे 5, तो इसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी 8 k बटे 5। आप चाहो तो सीधा k इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगा सकते थे, कोई मना ही नहीं है, l1 प्लस l2 अपॉन l1 बाय k1 प्लस l2 बाय k2। बड़ा ही प्यारा लेक्चर है, कोई टेंशन नहीं। तो r इक्विवेलेंट निकल गया, r इक्विवेलेंट क्या है, r1 प्लस r2 निकाल सकते हो, R इक्विवेलेंट निकालना भी है क्या, हरे राम हरे राम, R इक्विवेलेंट चलो अब निकालते हैं। तो R इक्विवेलेंट होगा, इसकी टोटल लेंथ कितनी है 4L, यहाँ नीचे K इक्विवेलेंट इंटू A, तो K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है रख दो, आपको R इक्विवेलेंट मिल जाएगा, यानी 4L अपॉन 8K बटे 5 इंटू एरिया। R इक्विवेलेंट निकालना था, टोटल लेंथ लग की 4L, नीचे K इक्विवेलेंट इंटू एरिया, K इक्विवेलेंट की वैल्यू ये, यहाँ से 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, ये 5 ऊपर जाएगा, 5 बाई 2 एल बाई के ए, 5 बाई 2 एल बाई के ए, क्लियर है, कोई पाप तो नहीं किया मैंने बीच में, कोई गलती तो नहीं की, माफ़ कर देना अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, कंसेप्ट 100% सही है भैया। आर इज टोटल लेंथ 4L, के इक्विवेलेंट अपॉन ए, के इक्विवेलेंट 8 के बाई 5 इंटू ए, 4 टू जा 8, ओके 5 बाई 2 एल बाई के ए, ठीक है। अब बात आती है टेम्परेचर थीटा की, यहाँ बीच का टेम्परेचर थीटा, तो चलिए सिखाते हैं आपको कैसे जंक्शन टेम्परेचर निकालना, ये एक टॉपिक है फाइंडिंग दी जंक्शन टेम्परेचर, किताबों में सवाल है इस पे, ये तो सबसे हलवा सवाल है, पहला सवाल है फाइंडिंग दी जंक्शन टेम्परेचर, मैं इसको मिटा दूं, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। अच्छा, फाइंडिंग दी जंक्शन टेम्परेचर, जंक्शन टेम्परेचर आपने थीटा माना, जी सर, मैं बोलूं मान लो यहां से हीट जा रही H1, तो यहां से भी हीट कितनी जाएगी H1, सीरीज कॉम्बिनेशन,
यानी यहां की हीट के बराबर H1 is equals to, क्या इसको H2 बोल देते, चलो H2, दोनों बराबर होंगे। यहां से हीट जो जाएगी उसकी वैल्यू होगी डेल्टा T by R1, और यहां से जो हीट जाएगी डेल्टा T by R2, और दोनों का डेल्टा T अलग अलग है। यहां का डेल्टा T होगा 100 माइनस थीटा, R1 इसका रेजिस्टेंस कितना होगा L by KA, यहां का टेम्परेचर डिफरेंस थीटा जीरो से बड़ा होगा, थीटा माइनस जीरो, आर टू की वैल्यू 3L by 2K into A, सही है, L से L मरा, K से K मरा, A से A मरा, ये 2 ऊपर जाएगा 3 इधर आ जाएगा, तो 300 माइनस 3 थीटा, 3 इधर आएगा 2 ऊपर, is equals to 2 थीटा, ये इधर गया तो कितना हो गया 5 थीटा is equals to 300, यानी थीटा की वैल्यू हो गई 60 डिग्री सेल्सियस। तो आपको इंटरमीडिएटरी टेम्परेचर जंक्शन टेम्परेचर भी मिल गया 60 डिग्री सेल्सियस। तो मेरे ख्याल से आपको ये सवाल संपूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ, मिटा दें इसको, क्लियर है 100%, बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हाँ, तो आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की कहानी वगैरह सारी समझ में आ गई। एक अगला सवाल मैं ले लेता हूँ, किताब है श्री एच सी वर्मा सर की, और सवाल है कि यहाँ पे दो कंडक्टर हैं जिनको एंड टू एंड जॉइंट किया है, दोनों की लेंथ एरिया सब सेम है, लेंथ एल, एरिया ए, एरिया ए, बट आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल, आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटीरियल, इसका के के वन, इसका के के टू, यहाँ टेम्परेचर 100, यहाँ टेम्परेचर 0, इन्होंने बोला यहां पे जो टेम्परेचर है वो है 70 डिग्री सेल्सियस, इतनी चीजें बता दी। सवाल क्या पूछा है? इन्होंने कहा इनको अगर हम पलट दें, इनको यदि हम पलट दें, जैसे अपन पराठे को पलट देते हैं, इसको हम पलट दें, K2 इधर, K1 इधर, बाकी एरिया वगैरह लेंथ वगैरह सेम, टेम्परेचर यहां पे 100 इस बार, यहां पे 0, पहले K2 के पास टेम्परेचर देखो 0 था, अब 100, तो ये पूछ रहे अब बताओ जंक्शन टेम्परेचर क्या होगा। दिस इज गिवन एंड दैट इज आस्ट, ट्राई करेंगे, एक मिनट आप ट्राई कर ले, मैं आपको चार ऑप्शन देता हूं, थीटा इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, तो थीटा की वैल्यू 70 डिग्री सेल्सियस, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री सेल्सियस, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री सेल्सियस। 1, 2, 3, 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, ओके हो गया, ट्राई कर लें पॉज करके। चलिए जो सही आंसर है वो है रेक्यू, 30 डिग्री सेल्सियस। आइए देखें कैसे आएगा, यहां की बातें करते हैं, यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हीट मान लो H1 गई, यहां से हीट H2 गई, तो दोनों बराबर होगी, सो H1 इज इक्वल्स टू H2, H की वैल्यू होगी डेल्टा T बाय R1, यहां H की वैल्यू डेल्टा T बाय R2, डेल्टा T यहां पे होगा 100 माइनस 70 अपॉन R1 होगा L बाय K1A, यहां डेल्टा T होगा 70 माइनस 0, R2 की वैल्यू L बाय K2A, L L A A मर गया, K1 ऊपर K2 ऊपर, K1 इंटू ये कितना हो जाएगा 30, K2 इंटू 70 ये भी मर गया, सो K1 अपॉन K2 की वैल्यू है 7 बाय 3, K1 अपॉन K2 की वैल्यू सही लिख रहा हूँ 7 बाय 3। चलिए अब यहाँ आते हैं, यहाँ फिर से बोलते हैं हीट H1, यहाँ H2, और हमको पता है H1 इज इक्वल्स टू H2, H1 के लिए डेल्टा T अपॉन R1, डेल्टा T कितना होगा 100 माइनस थीटा अपॉन R1, यानी L अपॉन K2A, सही है, H2 की जगह डेल्टा T अपॉन R2, डेल्टा T कितना होगा थीटा माइनस जीरो, L2 की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी R2 की वैल्यू कितनी होगी, अरे यार H2 की, H2 डेल्टा T बाई R होगा R2, तो डेल्टा T कितना लिखा मैंने थीटा माइनस जीरो, R2 कितना होगा L अपॉन K1A, L से L, A से A मर गया, K2 ऊपर गया, K2 इंटू 100 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इंटू K1, लिख सकते हैं K1
के वन भी ऊपर जाएगा, इस के टू को उठा के इधर ले आओ, सो के वन बाई के टू की वैल्यू है 7/3, तो के वन बाई के टू को मैंने हटा के लिख दिया 7/3, समझ में आया, के वन ऊपर गया, के टू ऊपर गया, के टू फिर इधर आ गया, के वन बाई के टू 7/3, तीन को इधर ले आएंगे 300 - 3θ = 7θ, ये उधर जाएगा हो जाएगा 10θ = 300, और यहां से थीटा की वैल्यू हो जाएगी 30°C। क्लियर है, बहुत ही आसान सा एक सवाल। तो बच्चों ये तो बात हुई सीरीज कॉम्बिनेशन की, इसके बाद बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की, उसके बाद मिक्स पे भी सवाल कराएंगे, लेक्चर को यहीं पे हम बंद नहीं कराएंगे। कर दो ना सर बंद, बहुत हुआ, मिटार दें सर, तब से बोल रहे हैं मिटार दो, आप सुनते ही नहीं हो सर। रोज शाम आती थी मगर ऐसी न थी, रोज रोज घटा छाती थी मगर ऐसी न थी। चलो भाई पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं, तो अगर मैं आपको फिर से याद दिलाऊं वो पिछले जन्म की कहानियां, यहां रेजिस्टेंस R1 यहां रेजिस्टेंस R2, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता था 1/R1 + 1/R2। क्या इस बार भी करंट दोनों में सेम होता था? बिल्कुल भी नहीं, यहां से करंट चल के आता था I, इसमें चला जाता था I1, इसमें चला जाता था I2। हम बोलते थे करंट आकर डिवाइड, सीरीज में करंट क्या होता था? सेम, यहां पे करंट आकर डिवाइड, तो हम बोलते थे I करंट आया और I1 I2 में डिवाइड हो गया। क्या यही सारी लॉजिक यहां पे हम लगा सकते हैं? आइए देखते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? तो एक कंडक्टर ये, दूसरा कंडक्टर ये, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की लेंथ सेम है, पैरेलल जॉइन है। एरिया मान लेते हैं इसका A1, इसका मान लेते हैं A2, इसकी कंडक्टिविटी K1, इसकी K2, लेंथ दोनों की L और L, टेम्परेचर इस तरफ मान लो T1 और इस तरफ टेम्परेचर T2। अब दोनों के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस सेम, सीरीज में तो अलग अलग था, एक में T1 थीटा, एक में थीटा, यहाँ तो दोनों में सेम हो गया। अच्छा भाई, तो हमें इस पे वर्क नहीं करना, हमें क्या बनाना है इन दोनों का, याद है? याद है एक दिन तुमने कहा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो यहाँ इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाना है, तो मैंने इन दोनों का इक्विवेलेंट बनाया मोचा सा कंजक्चर। इस मोचे से कंजक्टर की लेंथ एल होगी, एरिया देखो तो A1 + A2 होगा, टेम्परेचर यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 ही रहेगा, और इसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को मैं KE बोल रहा हूँ। अब देखते हैं KE के लिए क्या एक्सप्रेशन आता है। चलिए तो लॉजिक लगाना स्टार्ट करते हैं। मैं बोलता हूँ यहाँ से हीट H गई, ध्यान से देखो, यहाँ बोल रहा हूँ पहले मैं, यहाँ से हीट H गई, इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे? H = ∆T, यहां लिख दो साइड में, H की वैल्यू क्या होती है? ∆T/R। तो इसके लिए ∆T होगा बच्चों T1 - T2, और इसके R को मैं बोल दूं R इक्विवेलेंट, इसके थर्मल रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट। अच्छा बहुत बढ़िया, यहां भी देखो क्या होगा, अगर H हीट मैं भेजूंगा जैसे I करंट भेजा, तो वो डिवाइड हो जाएगी H1 और H2 में, मतलब पैरेलल में हीट सब में सेम नहीं होता, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सब में सेम नहीं, हीट करंट सब में सेम नहीं, सीरीज में सेम होता है। अब मैं H1 H2 की वैल्यू लिखने जा रहा हूं, अगर मैं चाहूं तो H1 को मैं लिख सकता हूं, सब लोग बोलेंगे ∆T/R, तो ∆T होगा T1 - T2 अपॉन इसके R को बोला R1। इसी तरह से H2 को मैं बोलूंगा ∆T होगा इसका भी T1 - T2, इसके अक्रॉस भी टेम्परेचर डिफरेंस, यहां T1 इधर T2, T1 - T2 रेजिस्टेंस R2। ध्यान से देखो क्या यही H टूट कर H1 H2 बन रहा, और जब दोनों मिल गए तो H पूरे में से पास कर रहा, जो H पूरे में से पास कर रहा था वही डिवाइड हो गया, यानी हम लिख सकते हैं, इसको मिटा दूं मैं,
यानी हम लिख सकते हैं जैसे करंट के लिए लिखा था वैसे हीट के लिए H इज इक्वल्स टू एच वन प्लस एच टू। तो पैरेलल में ये कहानी होती है, सीरीज में एच वन एच टू बराबर और H उसके बराबर। सीरीज में जितनी हीट पहले में से उतनी हीट दूसरे में से उतनी ही इक्विवेलेंट में से, पैरेलल में जितनी H इक्विवेलेंट से जा रही वो दोनों में डिवाइड। चलिए यहां से H की वैल्यू है T1 माइनस T2 बाई आर ई, एच वन की वैल्यू है T1 माइनस T2 बाई आर वन और H2 की वैल्यू है, अरे भैया सेम T1 माइनस T2 बाई आर टू, यानी T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 मर जाएगा। 1 बाई आर ई इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू, यही तो चाहते थे सर हम, यानी पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वैसे ही है जैसे करंट में होता था 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू और सीरीज में आर वन। अरे हाँ आसान। पैरेलल में हीट की बात करें तो हीट की बात करें तो H इज इक्वल्स टू एच वन प्लस एच टू। आखिरी चीज जो बात करनी है वो है K की, इक्विवेलेंट K कितना होता है। यहां वैल्यू रखते हैं, आइए 1 बाई आर इक्विवेलेंट, इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों? थर्मल रेजिस्टेंस होता है L बराबर के ए। तो यहां लेंथ कितनी है इक्विवेलेंट की? L अपॉन K, इसका इक्विवेलेंट कितना है के ई, तो ये अपॉन ऊपर चला जाएगा के ई। एरिया कितना है ए वन प्लस ए टू इज इक्वल्स टू वन बाई आर वन, आर की वैल्यू एल बाई के ए। यहां लेंथ कितनी है सेम एल अपॉन के, के ऊपर चला जाएगा, के कितना है इसका के वन, एरिया कितना है ए वन। इसी तरह से यहां हो जाएगा एल, लेंथ इसकी भी एल बाई के ऊपर गया के टू ए टू, समझ में आ रहा है? आर की जगह एल अपॉन के ऊपर। यहां से आपको दिख रहा है L से, L से L मरेगा, यहां से K इक्विवेलेंट की वैल्यू आ रही है K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2। एज एन अध्यापक मुझे तो ये एक्सप्रेशंस याद हैं, एज अ स्टूडेंट आपको इसे याद करना है। तो पैरेलल की तीन कहानी आप समझ गए, हीट डिवाइड होती है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करंट जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, और थर्मल कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट याद करनी पड़ेगी। सर नया है थोड़ा समय दो, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, ओए होए 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 याद हो गया सर। तो ये थे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या अब वीडियो खत्म होगी? नहीं, वीडियो अब स्टार्ट होगी, अब तो सवाल करेंगे। मिटा दूं? ओके, जिंदगी कैसी है पहेली हाय। अच्छा एक काम करते हैं, समराइज कर दें टाइम पास थोड़ा सा, थोड़ा सा। चलो आओ, सीरीज कॉम्बिनेशन में अब तक हमने देखा कि R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2, K इक्विवेलेंट निकालना है तो L1 प्लस L2 अपॉन L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2, और अगर पहले कंडक्टर से H1 हीट, दूसरे से H2 हीट और इक्विवेलेंट से H हीट, तीनों बराबर। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने अब तक देखा कि जो R इक्विवेलेंट होता है वो ऐसे निकलता है 1 बाई आर ई इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। K इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो है L, छी 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 छी, K1 A1 प्लस K2 A2 अपॉन A1 प्लस A2, और हीट अगर इक्विवेलेंट में H है और एक में H1 और दूसरे में H2, तो H डिवाइड होती है H1 प्लस H2। नोट कर लें, समरी भी बता दी मैंने, अब करेंगे इसके प्यारे प्यारे सवाल, प्यारे प्यारे सवाल। तो चलिए पहले पैरेलल के कुछ सवाल करा दूं, सीरीज के तो कराए थे एक दो, मिटा दूं सर। चलो मैं इसको मिटा दिया। तो पैरेलल का सर्वप्रथम सवाल, अभी तक मैंने दो सवाल कराए, तो तीसरा सवाल जो आता है वो है कि मेरे पास दो कंडक्टर हैं, यह मेरे पास दो कंडक्टर हैं जिनका एरिया ए ए मैंने सेम मान लिया, अलग भी हो सकता था। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी है 6K, इसकी है 4K। हमसे पूछ रहा है, लेंथ है L, हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी बताओ। यहाँ कोई
जंक्शन टेम्परेचर तो है, जंक्शन है ही नहीं, जैसे जैसे यहाँ हीट चल रही वैसे वैसे यहाँ, है ना, तो यहाँ कोई बीच में ऐसा तो है नहीं कि कोई टेम्परेचर बीच में डिफरेंस आएगा। चलिए शुरू करते हैं, तो स्टार्ट करेंगे इसको। तो पहले आइए R1 निकालें, R1 की वैल्यू होगी L बाई, इसको मैंने वन बोला है, L बाई 6 के ए, R2 की वैल्यू होगी L बाई 4 के ए, सही है। अच्छा, अब इक्विवेलेंट आपको रेजिस्टेंस चाहिए, 1 बाई आर ई इज इक्वल्स टू 1 बाई आर वन प्लस 1 बाई आर टू। इनका इक्विवेलेंट जब बच्चों बनाओगे, कुटुक कुटुक कुड़ू ऐसा बनेगा, एरिया हो जाएगा 2a, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के ई, लेंथ तो एल ही रहेगी। तो इक्विवेलेंट का अगर हम आर ई की वैल्यू बात करें, आर ई हो जाएगा इसका एल अपॉन के ई इंटू टू ए, आइए सबकी वैल्यूज रखें, एल अपॉन के ई इंटू टू ए, आर वन की वैल्यू एल बाई सिक्स के ए, आर टू की वैल्यू एल बाई फोर। अब मैं पता हूँ आप सीधा के ई की इक्वेशन लगा के, फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल लो, मुझे भी याद है के वन ए वन ही, बट मैं चाहता हूँ कि आप ये कंसेप्ट सीख जाओ, बहुत प्यारा है ये कंसेप्ट। अभी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स करें, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रेजिस्टेंस से कहानी समझो, फिर यहाँ आओ वापस, एल बाई के इंटू टू ए, आर वन की जगह एल अपॉन सिक्स के, आर टू की जगह एल अपॉन फोर के। तो मेरे ख्याल से ए ए ए मर जाएगा, एल 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 मर जाएगा, तो k इक्विवेलेंट होगा 6k प्लस 4k 10k डिवाइड बाई 2। के ई इज इक्वल्स टू, देखो ध्यान से, 6k प्लस 4k 10k डिवाइड बाई 2 मतलब 5k, तो इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इज 5k। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, थर्मल रेजिस्टेंस L अपॉन k इक्विवेलेंट इज 5k इंटू 2a यानी L अपॉन 10k, सही आ गया। हलवा मिटार दें, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। चलिए भाई साहब, तो आपको ये भी समझ में आ गया। अब मैं फिर से श्री एच सी वर्मा की किताब से एक सवाल लूंगा, थोड़ी देर में आने वाले हैं जेई के सवाल भी, पहले इधर उधर थोड़ा घुमा दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 4 अपना, अब थोड़ा डेटाबेस सवाल। मेरे पास दो रॉड हैं जो ऐसे कनेक्टेड हैं, पहला वाला है प्रथम रॉड, सर्वप्रथम रॉड हमें मिला है एल्युमिनियम का, और दूसरा रॉड हमें मिला है कोपर का, कोपर कोपर। इसका एरिया और इसका एरिया इन्होंने सेम दिया है, डिफरेंट भी हो सकता है। इसका एरिया इन्होंने बोला 1 cm², इसका एरिया भी इन्होंने हमसे बोला 1 cm², इसकी लेंथ इन्होंने हमसे बोला है 1 m, दोनों की लेंथ 1 m एंड 1 m सेम है दोनों की लेंथ। और के की बात करें तो इन्होंने बोला एल्युमिनियम का, के फॉर एल्युमिनियम इन्होंने हमसे बोला 200 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस, और के फॉर कॉपर इन्होंने हमसे बोला 400 वॉट पर मीटर डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर इन्होंने बोला इस तरफ है 20 डिग्री सेल्सियस, इस तरफ है 60 डिग्री सेल्सियस। सवाल है फाइंड द रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू थ्रू कॉपर रॉड, कॉपर रॉड से एच की वैल्यू पूछी है। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं एक डेटा यहां पे मैच करा लूं, मुझे थोड़ा सा डेटा में डाउट हो चला। सही है सारा डेटा 1 cm², ठीक है। चलिए इसको आप ट्राई करेंगे, इसको आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की। तो भाई साहब कैसे किया जाए इसको, हीट फ्लो थ्रू किससे पूछ रहा है, थ्रू कॉपर रॉड, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया जाए। कॉपर का के पता है, पता है लेंथ, पता है पता है एरिया, पता है एरिया भी पता है, तो आप सीधा कॉपर के लिए लिख सकते हो हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हो, कॉपर की टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर रॉड। सीधा इससे हीट फ्लो पूछ रहा है, हम सीधा इसमें से निकाल देंगे हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड, यहां का डेल्टा टी अपॉन आर ऑफ कॉपर। सो डेल्टा टी कितना होगा, 20 माइनस 60, नहीं लीड ऐसे फ्लो करेगी इस बार, 60 माइनस 20
अपॉन आर की वैल्यू, एल लेंथ कितनी है 1 मीटर, आर की वैल्यू बोलो एल बाई के ए, लेंथ कितनी है 1 मीटर, अपॉन के, के कितना है कॉपर का 400, इंटू एरिया कितना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1 × 10⁻⁴, है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में 10⁻⁴। ये है हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड, जो भी आएगा आंसर हो जाएगा 40 × 400 × 10⁻⁴, सही है, 40 × 400 × 10⁻⁴, सो 4 × 4 = 16 × 10⁻³ × 10⁻⁴, तो ये बचेगा 10⁻⁻¹, सो 1.6 वॉट रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू डी कॉपर रॉड। सही कर रहा हूँ, कुछ गलत हुआ है? इसमें से हीट फ्लो हो जाएगा, बोलिए, डेल्टा टी, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस 60 - 20, लेंथ है 1 अपॉन के, के इसका दे रखा है, अपॉन ए, एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर है? और क्या पूछ सकता है इसमें, मान लीजिए पूछ लिया इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस बताइए, दोनों का इक्विवेलेंट, ये तो क्लियर हो गया, 60 - 20 / 1/400 × एरिया 10⁻¹, हाँ इसकी बात करते हो गया, मान लीजिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछ लेता है इसी कॉम्बिनेशन का, थोड़ा डेटा बेस सवाल, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछता है तो आप सिंपल बोलोगे 1/RE = 1/R1 + 1/R2, तो R1 R2 निकाल लो, RE निकल आएगा, R1 की वैल्यू होगी, इसको चलो 1 बोल देता हूँ, इसको 2, R1 की वैल्यू होगी L अपॉन K इंटू A, और R2 की वैल्यू होगी L अपॉन K इंटू A, तो 1/RE = 1/200 × 10⁻⁴ + 400 × 10⁻⁴, सो 1/RE = ये ऊपर चला जाएगा 10⁴/200, 10⁴/400, तो कितना हो जाएगा ये देखें, 4 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 100/2 यानी 50, 4 0 नीचे 2 0 कैंसिल, तो 100/4 यानी 25, सो 1/RE = 50 + 25, RE = बोलिए 1/75, यही आएगा कि कुछ और आएगा? सही कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, 1/RE = 1/R1, दैट इज R1 की वैल्यू होगी L/K, अच्छा ये ऊपर जाएगा ना, ये गलत हो गया, L/L/1 है तो ये ऊपर जाएगा, ए ए ए ए, ए, ए। माफ करना, R1 की वैल्यू 1/A है ना, सो R1 इज 1 अपॉन, ये ऊपर गया, अब सही होगा, 1/200 × 10⁻⁴, R2 की वैल्यू 1/400 × 10⁻⁴, सो 1/RE = 200 × 10⁻⁴, तो 2 0 2 0 कैंसिल, यानी ये 200 बचेगा, और 400 2 0 2 0 कैंसिल, तो ये भी, सॉरी 200 नहीं सर गंदा, 100 2 0 कैंसिल, 10⁻², यानी 2/100, और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल, 4/100, अब सही है, हाँ 2 4 हो गया 6/100, तो RE की वैल्यू हो जाएगी 100/6, अब सही है, 1/200 × 10⁻¹, 1 2 0 2 0 कैंसिल, 10⁻², नीचे आया 2/100 4/100, 2 4 6/100, 100/6, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस, कोई इसमें भूल चूक हुई है तो माफ करना, कंसेप्ट सारे 100% सही। अच्छा भाई, तो ये तो हल्के फुल्के सवाल हुए, बात करते हैं किसी प्यारे से सवाल की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछे, इक्विवेलेंट के पूछे, या थीटा पूछे, या हीट फ्लो पूछे, कुछ भी हो सकता है, तो आप देखें जेई में भी इस तरह का एक सवाल आया हुआ है, बड़ा प्यारा सवाल है, वाई शेप रॉड के ऊपर, मान लीजिए एक वाई शेप रॉड है इस प्रकार का,
हमें एक वाई शेप रॉड दिया इन्होंने, ठीक है, ठीक है ना, ऐसा हमें एक वाई शेप रॉड दिया और इन्होंने हमसे बोला कि तीनों रॉड का लेंथ एरिया सब सेम है, डायमेंशन सारा सेम है, डायमेंशन लेंथ एरिया सबका क्या है, सेम दे रखा है, ठीक है, इवन सबका के भी सेम है। अभी चलो अभी के लिए मान लो लेंथ एरिया और थर्मल कंडक्टिविटी, यानी तीन सिमिलर रॉड को वाई शेप में कनेक्ट किया है। यहां पे वो हमसे बोल रहे टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पे बोल रहे 90 डिग्री सेल्सियस, यहां पे बोल रहे 90 डिग्री सेल्सियस, तो उन्होंने पूछा जंक्शन पे टेम्परेचर कितना होगा। ट्राई करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सवाल। तीनों का लेंथ, थर्मल कंडक्टिविटी और एरिया तीनों सेम मटेरियल के हैं, एक एंड पे 0, दो बचे हुए एंड पे 90 90, पूछा बीच में टेम्परेचर कितना। ऑप्शन चाहिए आपको, आपको ऑप्शन देता हूं मैं थीटा की वैल्यू का, ए बी सी डी, ये भी जेई का ही सवाल है इनफैक्ट आया हुआ है। तो ऑप्शन है आपका बीच का टेम्परेचर 180 डिग्री, बीच का टेम्परेचर 90 डिग्री, बीच का टेम्परेचर 60 डिग्री, बीच का टेम्परेचर 30 डिग्री। पॉज कर लें, 1 2 3 4 5, चलिए मैं सॉल्व कर रहा हूं। बच्चों मान लो यहां से हीट एच गई, यहां पे आके हीट डिवाइड हो रही एच वन और एच टू में, दिखाई पड़ रहा, सो वी कैन राइट एच इज इक्वल्स टू एच वन प्लस एच टू। अब ना ये सीरीज है ना ये पैरेलल, अब लॉजिक लगानी है कि यहां से अगर हीट, चलो उधर से मान लो, तुम बोलोगे सर इधर टेम्परेचर कम है, ठीक है मान लो इधर से मान लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं, यहां टेम्परेचर ज्यादा है यहां कम है, तो यहां से मान लो हीट चली एच वन, यहां से हीट चली एच टू, कोई दिक्कत, यहां से एच वन यहां से एच टू, यहां मिलकर दोनों हीट इसमें से जो फ्लो की वो है एच, तब भी तो हम ये लिख सकते हैं कि एच वन प्लस एच टू इज इक्वल्स टू एच। मुझे वाई वाले रॉड की इक्वेशन याद थी, मैंने लिख दिया, टेम्परेचर देखना चाहिए था इधर से इधर जा रहा, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, सबका L सेम, सबका K सेम, सबका A सेम, क्या सबका R भी तो सेम हो जाएगा यार, R की वैल्यू क्या होती है L बाई की, यानी सबका थर्मल रेजिस्टेंस भी सेम। बड़ा आसान हो गया, H1 की जगह यहां टेम्परेचर नहीं पता थीटा, H1 की जगह डेल्टा T बाई R, डेल्टा T कितना होगा यहां टेम्परेचर थीटा, H1 के लिए डेल्टा T 90 माइनस थीटा अपॉन R, H की वैल्यू यही होती है डेल्टा टी बाई आर, 90 माइनस थीटा बाई आर। एच टू के लिए डेल्टा टी 90 माइनस थीटा, और इसका भी आर सेम, और एच इसमें डेल्टा टी थीटा माइनस 0 अपॉन आर, बोले सही है, थीटा माइनस 0 बाई आर, सबका सेम, आर से आर मर गया, 90 माइनस थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, 180 माइनस 2 थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 3 थीटा इज इक्वल्स टू 180, और यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी 60 डिग्री सेल्सियस, विच इज द आंसर। तो ये तो बहुत जमाने पहले जेई में आया था, सिमिलर क्वेश्चन हमें देखने को मिला JEE मेंस 2014 में। तो नेक्स्ट सवाल मैं जेई मेंस 2014 का आपको कराने जा रहा, सिमिलर क्वेश्चन वहां पे भी हमसे पूछा, कॉन्सेप्ट सेम था, क्वेश्चन अलग था, शाम वही थी, सवाल नया था। मैंने दिल से कहा, क्वेश्चन 3 4 5 6 है ना, चल खैर एनीवेज, क्वेश्चन का नाम है JEE मेंस 2014। सवाल क्या पूछा इन्होंने हमसे, हमसे कहा यहाँ पे एक रॉड है, यहाँ पे एक रॉड है, और यहाँ पे एक और रॉड है, थोड़ा बड़ा बना है, थोड़ा बड़ा यूं 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 यूं, वैसे ही तीन रॉड इन्होंने बना के हमको दिए, पर तीनों की लेंथ इन्होंने अलग अलग बोली। उन्होंने बोला इस रॉड की लेंथ है 46 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 13 सेंटीमीटर, और नीचे वाले की लेंथ है 12 सेंटीमीटर।
तीनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इन्होंने बोला सेम है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला रॉड उन्होंने बोला मेरा कॉपर का है, ये वाला बोला उन्होंने ब्रास का है, और ये वाला बोला स्टील का है। तो जाहिर से बात है सबकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हमें, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील। क्या यहां तक बोर्ड दिखाई पड़ रहा है? बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा होगा। कॉपर की थर्मल कंडक्टिविटी उन्होंने हमको बताई 0.92, ब्रास की बताई 0.26 और स्टील की बताई 0.12। और ये सारी थर्मल कंडक्टिविटी इन्होंने बताई कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस में। यूनिट क्या थी? कैलोरी प्लस सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस में, मतलब ऊपर इन्होंने जो यूनिट रखी वो जूल नहीं रखी, कैलोरी रखती। ठीक है, यहाँ पे सेकंड भी होगा ना, इनटू सेकंड्स इसमें बताई, जूल पर सेकंड की जगह कैलोरी पर सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस सेकंड। खैर, फिर उन्होंने टेम्परेचर भी हमको बताना स्टार्ट किया कि इसके एंड्स के अक्रॉस क्या क्या टेम्परेचर है। तो इस तरफ इन्होंने टेम्परेचर बताया 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ बोला 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ बोला 0 डिग्री सेल्सियस। मेरे पास सवाल है, मैं एक बार जरा चेक कर लूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही। फिर इनका जो सवाल था रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड से हीट फ्लो का रेट क्या होगा। ऑप्शन भी इन्होंने हमको दिए, ऑप्शन में यहां साइड में मेंशन कर रहा हूं, कॉपर रॉड से हीट फ्लो का रेट ऑफ हीट फ्लो। और सभी रेट ऑफ हीट फ्लो उन्होंने हमसे जो पूछा वो कैलोरी पर सेकंड में पूछा। तो ऑप्शन थे 1.2, 2.4, 4.8, 6.0 कैलोरी पर सेकंड। तो पॉज करके इसको जरूर खुद से ट्राई करें, जरूर इसको खुद से ट्राई करें। ए मेरी हम सफर। हो गया। चलिए मैं करने जा रहा हूं रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड। तो भाई साहब, अगर मुझे कॉपर रॉड से हीट फ्लो चाहिए तो कॉपर के लिए ही मुझे लिखना पड़ेगा डेल्टा टी अपॉन आर ऑफ कॉपर। कॉपर के लिए डेल्टा टी क्या होगा? 100 माइनस, ओए होए, यही तो प्रॉब्लम है, थीटा नहीं पता। अगर ये पता होता तो बाकी क्वेश्चन तो हो गया था। भाई साहब, लेंथ पता है, के पता है, एरिया पता है, आर भी निकला था, डेल्टा टी के लिए थीटा चाहिए। तो हमारा जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो होगा थीटा निकालना। अब की बार टेम्परेचर इधर ज्यादा है तो इधर से हीट चली एच, डिवाइड हुई एच वन और एच टू में, इसको मैंने वन बोल दिया, इसको टू बोल दिया। तो हम लिखेंगे H इज इक्वल्स टू एच वन प्लस एच टू। एच के लिए डेल्टा टी होगा 100 माइनस थीटा अपॉन आर कॉपर का। एच वन के लिए डेल्टा टी होगा थीटा माइनस 0 अपॉन आर ब्रास का। एच टू के लिए थीटा माइनस 0 अपॉन आर स्टील का। R की वैल्यू होती है बच्चों, अब तो आपको याद हो गया होगा, L बाई के ए। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 100 माइनस थीटा, लेंथ कितनी है 46 बाई के ए, के है अपना 0.92 इंटू एरिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे थीटा अपॉन R की वैल्यू ब्रास के लिए L बाई के ए, ब्रास की लेंथ है 13 और K है ब्रास का 0.26 इंटू एरिया है 4, एरिया सब में कैंसिल हो रहा है, प्लस थीटा अपॉन स्टील का आर क्या होगा L बाई के, L है 12, K है 0.12 और एरिया है 4। तो 4 4 4 कैंसिल, पॉइंट यहां से हटाया, यहां से हटाया, यहां से हटाया, नीचे 100 100 100 आया, कैंसिल। 46 ones are 46, 2s are 92, 13 ones are 13, 2s are 26, 12 ones are 12. So 200 माइनस 2 थीटा
इज इक्वल्स टू 2 थीटा प्लस थीटा, ये हो गया 3 थीटा, उधर जाके हो जाएगा 5 थीटा। तो 200 इज इक्वल्स टू 5 थीटा, यहां से थीटा की वैल्यू आएगी 40 डिग्री सेल्सियस, 5 4 20। तो हमें थीटा मिल गया, टेम्परेचर यहां पे है 40 डिग्री सेल्सियस। ये पिछले क्वेश्चन से लॉजिक लगाई आपने, मिटा दूं इसको, मिटा दूं। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, अब आपको चाहिए हीट थ्रू कॉपर रॉड। अब तो आसान हो गया, रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू कॉपर रॉड हो जाएगा डेल्टा टी इन कॉपर अपॉन आर ऑफ कॉपर। तो डेल्टा टी कॉपर का है 100 माइनस 40, आर ऑफ कॉपर होगा एल बाई के, एल इज 46, के इज 0.92, एरिया इज 4। मैं यूनिट नहीं चेंज कर रहा क्योंकि आंसर भी कैलोरी पर सेकंड में था, और ये के की वैल्यू कैलोरी पर सेंटीमीटर सेकंड, यानी ये सब भी कॉमन यूनिट में थी, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो इन सबको भी मैंने सेंटीमीटर में रहने दिया। बहुत बढ़िया, सो दिस विल बी ऊपर हो जाएगा 60, नीचे 46 इंटू 0.92 इंटू 4, यहाँ से डेसिमल हटाया नीचे आया 100, 46 टू ज़ा 92, 0 से एक 0 कैंसिल, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, 6 फोर ज़ा 24 बाई 5, 5 फोर ज़ा 20, 45 एट ज़ा 40, आंसर इज सी 4.8 कैलोरी पर सेकेंड। क्लियर, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो वाई शेप वाले सवाल भी आपको क्लियर हुए। इसी तरह से एक बार जेई में, पुरानी बात है शायद 2001 की बात है, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कब का सवाल है, एक पुराना सवाल था एक बार कि हमारे पास दो थर्मल कंडक्टर हैं जो सिलेंड्रिकल शेप में हैं। एक थर्मल कंडक्टर ये रहा, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 और इसका रेडियस बोला R। एक तो ये है, हमने क्या किया, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंड्रिकल थर्मल कंडक्टर लगाया। क्या लगाया? हॉलो सिलेंड्रिकल थर्मल कंडक्टर लगा दिया इसके ऊपर से, इसको पैक कर दिया उसके बीच में, ठीक है, हॉलो। ठीक है ना? अच्छा, ये जो बड़ा वाला लगाया इसका रेडियस इन्होंने हमसे बोला 2R है, और बड़े वाला मटेरियल सिर्फ इतने में है, समझ रहे हो, इसमें सिर्फ इसमें है मटेरियल बाहर बाहर से, और अंदर वाला मटेरियल पूरा ये है। बाहर वाले की थर्मल कंडक्टिविटी बोली K2, टेम्परेचर डिफरेंस इस एंड और इस एंड के बीच में दिया, मतलब यहां से हीट फ्लो करेगी ऐसे। इन्होंने हमसे पूछा व्हाट इज द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, आप बताएंगे आंसर, मैं दूंगा ऑप्शन। सो द ऑप्शंस आर K1 प्लस K2 बटे 4, 3K1 प्लस K2 बटे 4, 3K2 प्लस K1 बटे 4, 3K1 प्लस 4K2 बटे 4। इसका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी पूछा है, आपको डिसाइड करना है कि ये सीरीज है या पैरेलल है या कुछ और है। थोड़ा सा टेढ़ा बना है, मुझे आप लोग फिर से क्षमा कर देंगे, शायद कैमरा थोड़ा सा हिल गया, उसको मैं भी सही कर दूंगा, अपन का प्यार है कि लेक्चर चल रहा है। चलो भाई, ओके, सो यस, सो यू हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। हो गया, ट्राई कर लिया। चलिए मैं हेल्प करूं आपकी, अगर यहां से हीट ऐसे फ्लो करनी है तो डेफिनेटली ये दोनों पैरेलल में है, कुछ हीट इसमें से चली जाएगी H1 और बची हुई हीट इसमें से चली जाएगी ऊपर और नीचे मिलाकर H2, मतलब कॉम्बिनेशन तो पैरेलल हो गया। पैरेलल के लिए अगर हमको KE की वैल्यू याद हो तो बहुत अच्छा, जैसे हमको तो याद है, शायद आपको भी याद हो, पैरेलल के लिए है K1A1 प्लस K2A2 अपॉन A1 प्लस A2, अगर ये लगाते हैं तो सही,
नहीं याद है तो ये तो याद ही होगा, वन बाई आर ई का एक्सप्रेशन, चलिए उसको लगा ही लेते हैं, इसमें बहुत टाइम लगेगा। के इक्विवेलेंट का एक्सप्रेशन लगाते हैं। सो के इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू के वन ए वन, इसका के वन एरिया कितना होगा इसका पूरा, ये ना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये कितना होगा, ये वाला एरिया लोगे कि पूरा कर्व सरफेस एरिया, ये एरिया लेते हैं ना क्रॉस सेक्शन, कितना होगा पाई आर स्क्वायर प्लस के टू इंटू ए टू, ए टू दूसरे वाले का एरिया कितना होगा, ये एरिया कितना होगा पाई इंटू टू आर स्क्वायर, और ये गलत हो गया, ये दूसरा वाला कंडक्टर यहां पे तो है, यहां पे तो है, बीच में नहीं है, है ना, मतलब ध्यान से अगर मैं इसका यहां से मैं इसको सामने से देखूं, इस तरफ से मैं सामने से देखूं तो मुझे ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये अंदर वाला कंडक्टर और ये बाहर वाला कंडक्टर, तो बाहर वाले कंडक्टर का एरिया सिर्फ ये है ना बाहर वाला, इसी में से तो हीट बाहर वाले में से निकल रही है, ये पूरा ये एरिया कितना होगा बच्चों पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, जैसे एन्युलर रिंग का निकालते थे, बोलो सही बता रहा हूं, सिर्फ ये एरिया चाहिए तो इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस, पूरा एरिया होगा पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस इसको कर दिया, डिवाइडेड बाई ए वन प्लस ए टू, ए वन है पाई आर स्क्वायर, ए टू है अपना पाई इंटू टू आर का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा मेरे ख्याल से, तो के वन प्लस ये टू आर स्क्वायर होगा फोर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो बचेगा थ्री, और पाई तो कैंसिल, थ्री के टू डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर कैंसिल, ये हुआ वन प्लस टू स्क्वायर फोर माइनस वन थ्री, सो के वन प्लस थ्री के टू बटे फोर, के वन प्लस थ्री के टू बटे फोर, ऑप्शन सी सही है। तो ये भी अपना आई टी जेई का सवाल था जो कि आपने प्यार से बना दिया, मिटा दें प्यारे बच्चों इसको, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए मैं आपको ले चलता हूं अब जेई एडवांस 2013 में जो सवाल पूछा, इन्हीं सारे टॉपिक्स का कॉम्बिनेशन था, कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं था, JEE एडवांस 2013 का सवाल। इन्होंने हमसे कहा हमारे पास दो कंडक्टर हैं, एक की कंडक्टिविटी के, एक की 2K, दोनों का लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, और इन्हीं कंडक्टर को मैंने फिर इस तरह से भी अरेंज किया, दो अरेंजमेंट किया सेम कंडक्टर्स का के टू के। इन्होंने बोला एक्स एक्सिस के अलोंग जो टेम्परेचर डिफरेंस यहां है वही टेम्परेचर डिफरेंस वहां है, आप शॉर्ट में समझो कि यहां T1 T2 तो यहां भी T1 और T2, टेम्परेचर डिफरेंस जो इस पूरे एंड के अक्रॉस वहां पे उतने एंड के अक्रॉस। फिर ये हमसे बोलते हैं इन 9 seconds सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू, इसको मैं बोल देता हूं फर्स्ट कॉम्बिनेशन और इसको बोल देता हूं सेकेंड कॉम्बिनेशन, थ्रू फर्स्ट कॉम्बिनेशन मतलब ऊपर वाले से इसकी बात हो रही है, फाइंड द टाइम इन विच सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लोज थ्रू सेकेंड कॉम्बिनेशन, फ्लोज थ्रू सेकेंड कॉम्बिनेशन, हमको ऑप्शन दिए हैं सेकेंड्स में है सारे ऑप्शन ए बी सी डी, 1 second 2 second 4 second 8 second, यहां से कुछ क्वांटिटी ऑफ हीट 9 second में फ्लो की,
यहां से सेम क्वांटिटी ऑफ हीट कितने सेकंड में, अभी रेट ऑफ हीट फ्लो नहीं है, हीट क्यू की बात कर रहा है। तो इस बार ये भी इंपॉर्टेंट होगा, एच इज इक्वल टू क्यू बाई टी। यहां टाइम का टर्म भी, अभी तक टाइम का टर्म नहीं आया, तो ट्राई करें इसको अपने आप, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ये आज के लेक्चर का आखिरी सवाल हम ले लेते हैं इसको, इसके बाद आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करेंगे, एक लंबी क्लास हो गया। ओके चलिए करते हैं इसको, मिटा दो इतनी बातें जो लिखी हैं। ओके 9 सेकंड में यहां से कुछ हीट फ्लो की है, पूछा है उतनी ही हीट वहां से कितनी देर में फ्लो करें। पहले तो एक काम करते हैं, इन दोनों का थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका इसको फर्स्ट बोल देते हैं, इसको चलो सेकंड। तो R1 हो जाएगा L बाई के ए और R2 हो जाएगा L बाई टू के ए। आप देखो दोनों में कहीं ना कहीं डिवीजन लास्ट में आएगा, मतलब आंसर K पे A पे टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। अब मैं एक कंसेप्ट आपको बहुत ही अच्छा समझाता हूं, अगर इस क्वांटिटी को हम X मान लें या इस क्वांटिटी को हम R मान लें तो ये क्वांटिटी 2R हो जाएगी। ये क्वांटिटी देखो इसकी डबल हुई ना, ये अगर R तो ये 2R होगा डबल, मतलब इसके रेजिस्टेंस को हम 2R और इसके रेजिस्टेंस को R बोल सकते हैं। बहुत आसान तरीका और समझने का, यहां देखो R L बाई के होता है, यस यस, दोनों की लेंथ सेम है, यस, दोनों का एरिया सेम है, यस, मतलब R इनवर्सली प्रोपोर्शनल K पे हो गया, दोनों की लेंथ सेम, दोनों का एरिया सेम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K, इसका K है 2K तो इसका रेजिस्टेंस R, इसका K तो इसका 2R, R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू K आ रहा है, तो जिसका K डबल है उसका रेजिस्टेंस R, जिसका K सिंगल है उसका रेजिस्टेंस 2R, या यहां से समझ लो, क्योंकि मुझे K पे पता है आंसर डिपेंड नहीं कर रहा ना, तो क्या जरूरत L बाई K लेने की। तो पहली बात तो इसका रेजिस्टेंस 2R, इसका रेजिस्टेंस R, R देखो K पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, L और A सेम है, तो मैंने बोला उल्टा उल्टा कर लो, जिसका K उसका 2R। अच्छा अच्छा, यहां पे अगर मैं आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मांगू तो बहुत ही आसान हो जाएगा, 2R प्लस R सीरीज कॉम्बिनेशन, R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3R। मान लेते हैं इसमें से H हीट फ्लो की, so H is equals to delta T upon R equivalent, H है rate of heat flow, yes, तो delta T अपना T1 minus T2, so चलो delta T लिखा रहने देते हैं, equivalent resistance is 3R। अब इस बार H की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है इस बार total heat flow की, और time भी involved है, यानी यहां से जो heat flow की अगर उसको मैं Q मान लूं, तो Q को मैं लिख सकता हूं H into T, भाई H क्या रेट ऑफ हीट फ्लो, यानी हीट फ्लो पर टाइम, तो हीट फ्लो H इंटू टी, सो ये हो जाएगा डेल्टा T बाय 3R इंटू टाइम, कितना था बच्चों बोलेंगे आप लोग 9 सेकंड बोल सकते हैं। चलिए अब यहां पे बात करते हैं, यहां पे अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं तो 1 बाय आर ई इज इक्वल टू 1 बाय आर प्लस 1 बाय 2R, एलसीएम हो गया 2R, यहां पे 2 यहां पे 1 यानी 3 बाय 2R, यानी 3 बाय 2R, यानी R इक्विवेलेंट होगा 2 बाय 3R। अगर यहां पे मैं हीट की इक्वेशन लिखूं तो H इज इक्वल्स टू डेल्टा T बाय R इक्विवेलेंट, जितना डेल्टा T यहां उतना यहां, इन दोनों के अक्रॉस मैं इक्विवेलेंट की बात कर रहा हूं, तो डेल्टा T अपॉन R इक्विवेलेंट इज 2 बाय 3R, दैट इज 3 बाय 2R इंटू डेल्टा T, ये हुआ H। यहां पे मान ले हीट फ्लो Q है, दोनों तरफ हीट फ्लो इन्होंने सेम ही तो बोला है, पूछा ना कि यहां से सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट 9 सेकंड में फ्लो की, यहां से सेम अमाउंट ऑफ हीट कितने टाइम में फ्लो करेगी, तो हम बोलेंगे Q इज इक्वल्स टू H इनटू टाइम, नहीं पता इस बार T, यहां का टाइम पता था, T1 पता था, T2 नहीं पता, T1 पता था 9 सेकंड, सो एच इज 3 डेल्टा T बाय 2R इनटू टाइम नहीं पता T2, Q की वैल्यू ये, Q की वैल्यू ये, दोनों सेम, क्योंकि दोनों से सेम अमाउंट ऑफ हीट फ्लो कराना है, सो वी कैन से डेल्टा T बाय 3R इनटू 9, Q की वैल्यू यहां से रखो, Q की वैल्यू वहां से 3 डेल्टा T अपॉन 2R इनटू T2, डेल्टा T से डेल्टा T मर गया, R से R मर गया, 3 1 3 3 3 9,
3 1 3 3 1 3 T2 की वैल्यू आती है 2 seconds. So the answer is 2 seconds. तो सवाल अभी खत्म नहीं हुए हैं, सवाल कभी खत्म नहीं होते, सवाल हमेशा चलते रहते हैं. आप चाहो तो मैं आपको होमवर्क के लिए इसका एकदम सिमिलर एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, उसको आप कमेंट में आंसर लिखना. ये समझ में आया? मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, हीट फ्लो निकाला, फिर क्यू की बात की थी. रिपीट करके देखिएगा. मैं एक सिमिलर क्वेश्चन आपको देता हूं, उसका आप आंसर कमेंट करना. इसी का एक स्टेप आगे बढ़ाकर मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं. चलिए, मेरे पास दो थर्मल कंडक्टर हैं, लेंथ एरिया दोनों का सेम, एल ए दोनों का सेम. यहां मेरे पास वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहां मेरे पास आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस. इसकी थर्मल कंडक्टिविटी 3K, इसकी 6K. फिर इन्हीं कंडक्टर को मैंने इस तरह से लगाया, यहां मेरे पास फिर से वाटर है एट 100 डिग्री सेल्सियस, यहां आइस है एट 0 डिग्री सेल्सियस. लेंथ एरिया वगैरह सब सेम. हमने यहां हीट फ्लो होने दी इन 4 सेकेंड्स, 9 ग्राम ऑफ आइस मेल्ट्स. हम देखा 4 सेकेंड में इस तरफ हीट यहां से यहां गई, 9 ग्राम आइस यहां पे मेल्ट हुई. क्वेश्चन है इन 8 सेकेंड्स इस कॉम्बिनेशन में हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ आइस मेल्ट्स. समझ रहे हैं? कुछ इक्वेट करना होगा. यहां पे दे रखा है इस कॉम्बिनेशन में 4 सेकेंड में 9 ग्राम आइस मेल्ट की, वहां पूछा है 8 सेकेंड में कितने ग्राम आइस मेल्ट करेगी. ऑप्शन है ए बी सी डी. ऑप्शन है आपके पास 2 ग्राम ऑफ आइस, 4 ग्राम ऑफ आइस, 6 ग्राम ऑफ आइस, 8 ग्राम ऑफ आइस. पूरी कहानी वही करनी है. R1 R2 निकाल लो, है ना. इसका R हो जाएगा अपना, बोलो इसका हो जाएगा 3R, या डबल देख लो, इसका देखो 2R, इसका R डबल है ना. ये इसका K इसका डबल है, तो इसका रेजिस्टेंस इसका डबल, यानी ये 2R और R. फिर R इक्विवेलेंट निकाल के H निकालना, फिर H से Q निकालना. Q का जो भी इक्वेशन होगा H इंटू T वगैरह टाइम दे रखा है. इस बार Q किस लिए यूज हो रहा? आइस की मेल्टिंग के लिए. तो Q की जगह लिख देना ML. यहां से Q हो जाएगा M1L, यहां से Q हो जाएगा M2L, लेटेंट हीट. Q का इस्तेमाल किस लिए? और आइस की मेल्टिंग के लिए. तो ML लगा दो. पहले Q निकालो इधर का, पहले R निकालो, फिर H निकालो, फिर H से Q निकालो, और Q को M1L, यहां से Q को M2L. फिर डिवाइड करोगे तो M1 M2 का रेशियो, M1 दे रखा है, M2 निकालना है. तो पढ़ाई करते रहे, यहां पे टॉपिक खत्म होता है बच्चों. ऑल द वेरी बेस्ट. और इसको कमेंट करेंगे.